एनसीईआरटी सीआईईटी के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है मानसिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्यक्रम टिक टिक टिक। ये किसकी आवाज है बताओ तो? किसकी आवाज है पता नहीं। जरा ध्यान से सुनो। सोचो सोचो। अच्छा ये गीत सुनो फिर बताओ। सबको है वो समय बताती, टिक 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 करती जाती। सबको है वो समय बताती, टिक 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 करती जाती। हाथों की जो शान बढ़ाती, दीवारों को खूब सजाती। हाथों की जो शान बढ़ाती, दीवारों को खूब सजाती। टिक 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 करती जाती। शाबाश बिल्कुल ठीक। घड़ी ही तो करती है टिक टिक टिक। अच्छा ये बताओ तुमने देखी है घड़ी? हाँ देखी है। मैंने भी देखी है। मैंने भी मैंने भी। हाँ मैंने भी। मेरे घर तो बहुत बड़ी घड़ी है, दीवार पर लगी है। मेरे घर भी एक घड़ी है जिसमें अलार्म बजता है। माँ रोज सुबह अलार्म सुनकर ही उठती है और मुझे भी उठाती है। पिताजी के पास भी घड़ी है, वो हाथ पर पहनते हैं। और मेरे पास तो अपनी छोटी सी घड़ी है जिसे मैं पहनता हूँ, ये रही। तो भाई घड़ी तो सबने ही देखी है। अब ये बताओ घड़ी से क्या करते हैं? घड़ी से समय देखकर मैं सुबह उठता हूँ। और मेरी घड़ी में जब 4 बजते हैं तो मैं पढ़ती हूँ। मैं घड़ी में समय देखकर स्कूल जाता हूँ। इसका मतलब तुम घड़ी देखकर अपने बहुत सारे काम करते हो, जैसे सुबह उठना, स्कूल जाना और पढ़ना। घड़ी देखकर तुम अपने सभी काम ठीक समय पर करते हो, यानी हम घड़ी से समय देखते हैं। घड़ी में जब सुबह के 7 बजते हैं तो मैं स्कूल जाता हूँ। और फिर दिन में 2 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है और हम घर आ जाते हैं। भाई घर आना सबको अच्छा लगता है ना?
हाँ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अब जरा ये बताओ, अगर घड़ी ना होती तो क्या होता? हम स्कूल समय से नहीं पहुंचते। पिताजी दफ्तर समय से नहीं पहुंचते। माँ मुझे सुबह 6 बजे कैसे उठाती? ये बात तो है, घड़ी से समय देखकर ही हम सारे काम सही समय पर कर पाते हैं। अब जरा सोचो, अगर घड़ी ठीक समय न बताए तो क्या हो? क्या हो? वही जो हमारे सोनू के साथ हुआ। क्या हुआ भैया? भाई एक लड़का था सोनू, वो अपने सब काम घड़ी से समय देखकर ही करता था। समय से उठता, समय से स्कूल जाता, समय से घर आता और समय से खेलता और फिर समय से ही सो जाता था। एक दिन की बात है, सोने जा रहा हूँ, मुझे कल सुबह जल्दी जगा देना। क्यों, कल क्या है? कल हमारे स्कूल में कठपुतली का खेल है। कठपुतली का खेल? हाँ माँ, और दीदी ने कहा है कि कल सुबह जल्दी आना है, सुबह 7 बजे से कठपुतली का खेल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तू सो जा, सुबह तुझे जल्दी उठा दूंगी। माँ भूलना मत। हाँ हाँ, उठा दूंगी उठा दूंगी। सोनू सो गया, माँ भी सो गई। जानते हो फिर क्या हुआ? क्या हुआ भैया, क्या हुआ? सोनू बेटा उठ, सवेरा हो गया, आज तो तुझे जल्दी स्कूल जाना है ना, कठपुतली का खेल देखने के लिए। माँ माँ, तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? 6 बज गए। कठपुतली का खेल तो 7 बजे है ना? हाँ माँ। अच्छा, तू अब जल्दी से तैयार हो जा। ठीक है माँ। सोनू तैयार होकर नाश्ता करके स्कूल के लिए निकलने ही वाला था कि तभी उसने घड़ी देखी, उसमें तो अब भी 6 ही बजे थे। सोनू घबरा गया, माँ से बोला, माँ माँ घड़ी में तो अभी भी 6 बजे हैं। क्या, अभी भी 6 बजे हैं? लगता है घड़ी बंद हो गई। घड़ी बंद हो गई? अब क्या होगा माँ, मेरा कठपुतली का खेल। चलो अब जल्दी से चलते हैं, कहीं कठपुतली का खेल शुरू ना हो गया हो। सोनू और उसकी माँ जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचे। सोनू को दूर से ही कठपुतली के खेल की आवाज सुनाई दी। सोनू माँ से बोला, माँ माँ लगता है
कठपुतली का खेल शुरू हो गया। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। हाँ हाँ, तुम भाग के जाओ, मैं पीछे पीछे आती हूँ। कठपुतली का खेल खत्म हो गया, हम इतनी देर में पहुंचे। बस बस बेटा, रोना नहीं सोनू, रोना नहीं बेटा। जब तक सोनू कठपुतली का खेल देखने पहुंचता, खेल तो खत्म ही हो चुका था। जानते हो क्यों? सोनू देर से स्कूल पहुंचा था ना, शायद इसलिए। हाँ हाँ, उसे तो 7 बजे स्कूल पहुंचना था। तो सोनू 7 बजे स्कूल क्यों नहीं पहुंचा? उसने स्कूल जाने से पहले घड़ी भी देखी थी। हाँ, घड़ी तो देखी थी, लेकिन क्यों नहीं पहुंचा? बच्चों, सोनू की घड़ी तो 6 बजे बंद हो गई, इसीलिए तो उसे सही समय का पता ही नहीं चला और वो देर से स्कूल पहुंचा। हाँ, और सोनू कठपुतली का खेल भी नहीं देख पाया। इसका मतलब तो घड़ी बंद होने से हमें बहुत परेशानी हो सकती है। हाँ, इससे तो सही समय का पता ही नहीं चलेगा। क्यों, क्या तुम्हारी घड़ी भी कभी बंद हुई थी? हाँ, एक बार हमारी घड़ी भी बंद हो गई थी, तो सही समय का पता ही नहीं चल पाया, जिससे मेरी तो स्कूल की बस ही निकल गई थी। तो देखा तुमने, घड़ी हमारे कितने काम की चीज है। घड़ी से हमें समय का पता चलता है और घड़ी से समय देखकर हम स्कूल जाते हैं। घड़ी से समय देखकर हम सुबह उठते हैं। पर देखो, घड़ी कहीं बंद ना हो जाए। पढ़ना लिखना या आराम, चाहे करो कोई भी काम, पढ़ना लिखना या आराम, घड़ी हमारे आए काम, घड़ी हमारे आए काम, घड़ी हमारे आए काम, घड़ी हमारे आए काम। टिक 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 टिक, टिक 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 टिक। सुबह सवेरे हमें उठाती, सही समय पर स्कूल पहुंचाती, और स्कूल की छुट्टी का भी तो ध्यान दिलाती है। घड़ी ही करती ये सब काम, घड़ी हमारे आए काम, घड़ी ही करती ये सब काम, घड़ी हमारे आए काम। टिक 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 टिक, टिक 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 टिक। टिक।
अभी आप सुन रहे थे CIET द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। परियोजना निर्देशन अनुसंधान एवं विषय संयोजन डॉक्टर स्वर्णा गुप्ता, आलेख उषा ग्रोवर, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, बाबला कोचर, पायल, प्रतिमा, पल्लवी और रसज्ञ, संगीतकार राकेश पंडित, ध्वन्यांकन दीपक पांडे तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन। वंदना अरिमर्दन। वंदना।